ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के समीप पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े शराबी युवकों ने उत्पात मचाया। शराबियों ने पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। कर्मचारियों के शोर मचाने पर भागे बदमाश। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मचा हड़कंप। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित सालिया बाबा मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े शराबी युवकों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर घटना को अंजाम दिया। कर्मचारियों के शोर मचाने पर बड़ी वारदात के मंसूबे नाकाम हुए। 4 से 5 आरोपी पेट्रोल भरवाने के नाम पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ मारपीट करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। चारों तरफ नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। करता हूँ, मैनेजर हूँ मैं। सनावर गया था बैंक काम से। काम पे कर्मचारी थे दो, जब ही दो मोटरसाइकिल से 5 लोग आए और वो 4 लोग इधर पेट्रोल डालने वाले लड़कों को बहस करके उलझा रखा, जब तक एक लड़का अंदर ऑफिस में चले गया और गले में से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। जब तक मेरे आदमी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ा तो वो 4 लोग भग गए। उसके बाद उसको पकड़ के बिठा लिया। जब तक मेरे को लड़के ने फ़ोन लगाया तो उसको मैंने बोला उसको बिठा के रखना, फिर मैं आता हूँ। जब तक वो 2 लोग उसमें से वापस आ गए और वो फिर उसको हमने पकड़ के रखा और पुलिस चौकी पे फ़ोन लगाया। जब तक वो फिर दादागिरी करने लगे, मारकुटी करने लगे, फिर हमने उनको मारा। उसने भी छीना झपटी हुई, सब हुई। उसने मेरे को सिर पर मार दिया। क्या मारा आपके सिर पर? वो चाय की तपेली वहाँ पर रखी थी, वो मार दी। उसके बाद मोटरसाइकिल पे बैठ पे भागने लगे तो हम रोड तक उसके पीछे उसको पकड़ के, मैं उसको पकड़ के रखा। जब तक वो गन्ने की चरकी पे गया और वहाँ से खंजर लेके आया और मेरे पीछे दौड़ा। जब जाके मैं पंप पे वापस भागाया फिर वो लोग मोटरसाइकिल लेके भाग गए। गड़ी कॉलोनी में जो डॉक्टर राका का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर कुछ 4-5 लड़के थे जिन लोगों को कर्मचारी पहचानते नहीं, वो कुछ नशे की हालत में आपस में खासनी और अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे। इसी बात पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन्होंने उनको जाने के लिए कहा तो उसी बात पर जो उन्होंने बात शेष तो चले गए 4, एक जो रुक गया वहाँ पर और इन्होंने जिन लोगों ने उनको गाली गलौज देने से मना किया तो वहाँ पर वो बैठ गया था। उसको 2 लड़के में जो 4 गए थे उनमें से 2 और वापस आए और उस लड़के को ले जाने के अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। इन्होंने कहा कि आप लोग गाली अलग की तो हम पुलिस को सूचना देंगे। उसी बात पर जो उस लड़कों को ले जाने के लिए जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं प्रेमलाल बिरला, उनके साथ उन्होंने गाली गलौज और हाथ गुस्सा से मारपीट कर दी और जो चाय बनाने की तकलीफ होती है वो मार दिया तो उनको चोट है। हमने प्रेमलाल की रिपोर्ट पर मामला पंजीकृत किया है और जो अज्ञात लोग हैं उनको ढूंढकर पैदा ही कर देता है। सर कोई लूट जैसी भी कोई बातचीत नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। सिर्फ वहाँ पर आपस में हंसने की बात से मारपीट हुई है।